कि आपको भी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, लेकिन जब भी आप मूवी देखना चाहते होते हैं तो आपको नहीं समझ आती कि कौन सी मूवी को देखें। तो मैं लाया हूँ आपके लिए 5 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जिनको देखना मस्ट है। अगर आप थ्रिलर मूवीज, सस्पेंस मूवीज देखना अगर आपको पसंद है तो ये 5 मूवीज आपको लाजमी देखनी चाहिए। तो बगैर किसी इंट्रो के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले नंबर पे जो हमारी मूवी है वो है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। 2010 में ये मूवी आई थी, लेकिन काफ़ी देर तक ये मूवी जो है वो समझ नहीं आती इंसान को कि इस मूवी के अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर दिखाया जाता है कार्तिक नाम का एक बिजनेसमैन जो काफ़ी सक्सेसफुल होता है, उसकी एक हॉट बंदी भी होती है दीपिका पादुकोण, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसके साथ होता है एक डार्क मिसहैप। उसके घर में एक होता है टेलीफोन जिससे रोज़ उसको सुबह सवेरे कॉल आती है उसी की आवाज़ में उसी के नाम के आदमी से, मतलब कि फ़ोन के इस पार भी कार्तिक और फ़ोन करने वाला भी कार्तिक, उसी के फ़ोन पे उसी के नाम से उसको कॉल आ रही होती है। कौन ऐसे कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, ये देखने के लिए आपको ये मूवी लाजमी देखनी चाहिए। इसकी एंडिंग जो है वो आपको बिल्कुल कभी भी आप गैस नहीं कर पाएंगे। प्राइम वीडियो पे ये मूवी अवेलेबल है, आप प्राइम वीडियो पे ये मूवी देख सकते हैं। जो दूसरे नंबर पे मूवी है वो हसीन दिलरुबा। 2021 में ये मूवी आई थी, नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है। तो इस मूवी के शुरू से इसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तापसी पन्नू के हस्बैंड की डेथ पे। तो वो होता कुछ इस तरह है कि उसका हो जाता है मर्डर घर के अंदर बम ब्लास्ट की वजह से, और सब लोग जो हैं वो तापसी पन्नू के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है हस्बैंड उसके साथ उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं होती, और उसके साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा होता, और इस वजह से उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है घर के अंदर ही। तो काफ़ी हद तक लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि तापसी पन्नू ने उसके हस्बैंड का मर्डर किया है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है आपको भी पता चलेगा कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, कौन कौन कर रहा है ये सब कुछ। तो इसके अंदर जो इसकी एंडिंग है वो आपको बिल्कुल शॉक कर देगी, मेरी गारंटी है आपको। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लाजमी कंसीडर करें इस मूवी को देखना। जो तीसरे नंबर पे हमारी मूवी है वो है गेम ओवर। 2019 के अंदर ये मूवी आई थी। ये मूवी काफ़ी एक डार्क सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। होता कुछ इस तरह है कि इस मूवी के अंदर दो कहानियाँ चल रही होती हैं। पहली कहानी होती है तापसी पन्नू की, जो काफ़ी एक अच्छी गेम डेवलपर होती हैं, लेकिन उनके साथ होता कुछ इस तरह कि उनको एक होता है फोबिया, नाइट फोबिया होता है उनको, उनको अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। किसी न किसी तरह की रोशनी उनको चाहिए होती है, थोड़ी सी रोशनी, चाहे वो कैंडल की रोशनी हो, रोशनी उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरी साइड पे होती है एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो गुड़गांव के अंदर लोगों के सर को काट के बाकी जिस्म को आग लगा देते हैं, लेकिन जो सर होता है उसके साथ फुटबॉल की तरह गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। एंड पे आके ये दोनों जो वो कहानियाँ वो मर्ज हो जाती हैं, वो सीरियल किलर जो होते हैं वो तापसी पन्नू के पीछे लग जाते हैं। तो तापसी पन्नू को ऑलरेडी वो फोबिया भी होता है, कैसे वो सीरियल किलर से अपनी जान बचाती हैं या वो सीरियल किलर उनको मारने में कामयाब हो जाता है, तो ये सब कुछ आपको मूवी देखने पे पता चलेगा कि इसके अंदर होता क्या है। ऐसी मूवीज जो हैं वो बहुत कम बनती हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट हमारी मूवी है वो मैंने काफ़ी पहले देखी थी, लेकिन तब से वो मेरी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में वन ऑफ द फेवरेट मूवी बन गई है। इस मूवी का नाम है टेबल नंबर 21। होता कुछ इस तरह है कि इस मूवी के अंदर एक बड़े पैमाने पे एक गेम खेली जाती है। दुनिया से हर जगह से मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाता है, कपल्स को बुलाया जाता है, और एक गेम को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लाइव दिखाया जाता है। इस गेम के अंदर होता कुछ इस तरह है कि जीतने वाले को 21 करोड़ रुपये इनाम दिया जाता है, लेकिन इसके जो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इसके टास्क जो हैं वो इंटेंस होते जाते हैं। तो इस गेम की सिर्फ एक ही शर्त है, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी सज़ा जो है वो डायरेक्ट मौत है, आपको मार दिया जाएगा। जैसे जैसे इसके अंदर लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इंसान की धड़कन भी साथ साथ इसकी बढ़ती है, क्योंकि ये मूवी काफ़ी एक अच्छा जो है वो सस्पेंस क्रिएट करती है लोगों के दिलों के अंदर। तो ये मूवी आप लाजमी कंसीडर करें। इसकी जो एंडिंग है वो आपको बताएगी कि ये गेम प्रॉपर ये क्यों बनाई गई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये मूवी देखने के लिए आपको कहीं से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो कहीं से भी नहीं आपको देखने की ज़रूरत। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएं, आप इस मूवी का नाम लिखें टेबल नंबर 21 और आपको ये मूवी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो नेक्स्ट मूवी है वो मैंने रिसेंटली देखी है, 2019 में ये मूवी आई थी, इसका नाम है बदला। इसके अंदर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से इस चीज़ को दोबारा जो है वो शेडो किया जाता है सिर्फ आपको समझाने के लिए। होता कुछ इस तरह है कि तापसी पन्नू जो है वो काफ़ी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर दिखाए जाते हैं इस मूवी के अंदर। वो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में जाती हैं और वहाँ पर हो जाता है उन दोनों के ऊपर हमला, और तापसी पन्नू को ज़ख्मी करके उनके बॉयफ्रेंड का जो है वो मर्डर कर दिया जाता है, और जो मर्डर करने वाला होता है वो तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तापसी पन्नू क्योंकि उस रूम में थी, उस मर्डर का इल्ज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली तापसी पन्नू के सर पे आ जाता है, और वो बेल पे होती हैं बाहर, इसलिए वो अपने लिए काफ़ी प्रेस्टिजियस लॉयर को हायर करती हैं। तो वो लॉयर किस तरह आके उनसे क्रॉस टॉक्स करता है, कैसे पूछ गछ करता है उनसे, इस दौरान जितने भी सीन्स जो हैं वो दोबारा रिफ्लेक्ट किए जाते हैं,
डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, ताकि आपको वो समझा सकें कि हुआ क्या है दरअसल। तो ये देखने में आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शॉक हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये मूवी देखते में आपको कहीं ना कहीं हॉलीवुड की फील आएगी, 100% मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। ये मूवी काफ़ी अच्छी बनाई गई है, लाजमी आप इसे कंसीडर करना देखने के लिए। तो ये मूवी मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगी है, और अगर आपने माइंड बना ही लिया ये मूवी देखने का तो नेटफ्लिक्स पे मूवी अवेलेबल है, जाएँ देखें। और भाई की वीडियो को लाइक कर देना लाजमी। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।